नमस्ते, आप सबका फिर से मेरा यूट्यूब चैनल सीसी डिजिटल इंडिया में स्वागत करते हैं। मैं आज आप लोगों को फिर सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ कि सीसी की तरफ से जो पासपोर्ट की सेवाएं दिया गया है वो पासपोर्ट आप लोग कैसे सीसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, तत्काल हो या फ्रेश वाला पासपोर्ट, पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे, इस वीडियो में सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता चले कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे, सारे डिटेल्स इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आप लोगों से बात करते हैं पासपोर्ट को पहले कैसे अप्लाई करना। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप का ब्राउज़र जो भी है उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपको डिजिटल सेवा पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। मैं यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा नेट का थोड़ा इशू है तो इसीलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। आने के बाद आप लोगों को सारे प्रोसेस, पहले भी आपको डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लेना है। कैप्चा कोड डाल लेते हैं, इसके बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप लोगों को पता है। तो इससे हम क्या करेंगे, सर्विस पे जाएंगे। सर्विस पे जाने के बाद सर्च के बटन पे हम सर्च बटन क्लिक करेंगे, उसमें हम लिखेंगे पासपोर्ट वाला। तो जब भी पासपोर्ट लिखेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा पासपोर्ट सर्विसेज पे, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो जितने भी आरओ रजिस्टर पासपोर्ट ऑफिस है, आरपीओ, सब आपके यहाँ पे शो कराएगा। तो आपका जो नज़दीकी आरपीओ ऑफिस है वहाँ को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी है पाँच में नज़दीकी, मेरा फिलहाल असम से मेरा गुवाहाटी है, मैं गुवाहाटी को क्लिक करता हूँ। उसके बाद गो टू पासपोर्ट सेवा पे क्लिक कर रहे हैं। जब गो टू पासपोर्ट सेवा पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा अपना सीसी आईडी लॉग शो करेगा, लॉगिन हुआ है और लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे सर्विस वगैरह दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे नया पासपोर्ट कैसे अप्लाई करूँगा, तो इसे सर्विस के ऑप्शन पे देखिएगा व्यू सेवन, यहाँ पर जितना भी आपने पासपोर्ट पहले से अप्लाई किया हुआ है, और मेरा यहाँ पे पहले से अप्लाई किया हुआ था ये सारे पासपोर्ट तो शो कर रहा है। तो मेरा ऑप्शन है पे सर्विस के ऑप्शन पे एक नंबर, दो तीन नंबर पे आप जब देखेंगे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट और री इशू ऑफ पासपोर्ट, ये ऑप्शन आपको देखेगा। तो इसमें क्लिक कर लेना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अप्लाई फॉर पासपोर्ट ऐसा करके लिख के आएगा। तो इसमें क्या करना है, नीचे वाला क्लिक का ऑप्शन आएगा एक क्लिक हियर का, तो उसमें आपको क्लिक कर लेना है नीचे वाला। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें पासपोर्ट का दो तरीके का पासपोर्ट होता है, आप लोगों को पता है, एक होता है तत्काल वाला और एक होता है नॉर्मल। तो हम यहाँ पे सिर्फ फिलहाल आपको नॉर्मल वाला करके दिखाता है। और अप्लाई फॉर किस लिए कर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट या री इशू पासपोर्ट। री इशू का मतलब यही होता है जो पासपोर्ट आपका पहले से हुआ है लेकिन उसको क्या है डेट फेल हो चुका है, रिन्यू का डेट हो गया या तो गुम हो गया, जो भी हो उसको उसके लिए आपको री इशू करने का है। फिलहाल मैं नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए बोला हूँ, तो मैं फ्रेश वाला बटन को क्लिक करूँगा।
उसके बाद में टाइप ऑफ एप्लीकेशन को क्लिक करना है। अब इसमें एक बात होती है कि नॉर्मल और तत्काल का दो ऑप्शन होता है, एक नॉर्मल होता है, तत्काल होता है। तत्काल का मतलब ये होता है कि जब आपको पासपोर्ट जल्दी जल्दी होना चाहिए, मतलब एक महीने से ज़्यादा नहीं, आपको पासपोर्ट जितना हो सके जल्दी में चाहिए तो तत्काल का सिलेक्ट कर। नॉर्मल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। पासपोर्ट जब अप्लाई करेंगे वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने तत्काल चॉइस किया है तो तत्काल में आपको पासपोर्ट पहले मिलेगा और बाद में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल का कर देता हूँ। अगर आपको तत्काल का वीडियो चाहिए तो मैं पिछले बार फिर नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊँगा, वो तत्काल का पासपोर्ट कैसे बनाना है उसको दिखाएंगे। अभी फिलहाल मैं नॉर्मल वाला को क्लिक कर लेता हूँ। और इसमें बुक टाइप दिखेगा 36 पेज और 60 पेजेस, मतलब जो पासपोर्ट का आपका बुक आएगा, एक खाता आता है जिसमें 36 पेज होता है और 60 पेज होता है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल 36 वाला पेज चॉइस करता हूँ, क्योंकि 60 पेज अगर चॉइस कर लेता हूँ तो थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, और इतना 36 पेज में तो हो जाएगा, इतना कम नहीं है ज़्यादा। तो हम क्या करना है, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर लेना है। जब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे नाम डालना है जिसका भी आपका पासपोर्ट बनाना है। मैं यहाँ पे एक नाम डालता हूँ, फर्स्ट नेम इसमें डालना है, उसके बाद नीचे वाले लास्ट नेम डालना है, उसके बाद में मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। सबको आप लोगों को पता है। और इसमें क्या आता है, हैव यू बीन इन मॉर्निंग अदर नेम, अगर आपका कोई दूसरा नाम से जाना जाता है तो उसको आप इस पर क्लिक करिएगा, और नहीं तो नहीं पर क्लिक करिएगा। वैसे नहीं क्लिक करेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि पासपोर्ट में वेरिफिकेशन होता है, तो अगर आपका दूसरा नाम से जाना जाता है उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बेहतर होगा कि नो पर क्लिक करिएगा। हैव यू इवन चेंज योर नेम, कभी भी आपने अपना नाम चेंज किया होगा, अगर चेंज किया होता है तो यस कर देते हैं, यहाँ पर फिलहाल नो कर देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को क्लिक करना है, का डेट ऑफ बर्थ कितना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, इसका जितना भी डेट ऑफ बर्थ है।